सरकार भले ही उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का काम कर रही हो, लेकिन उत्तराखंड में लगातार जो नशाखोर व्यक्ति हैं वो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में नशा का कारोबार जारी है। देहरादून पुलिस 1.5 किलो चरस के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना बड़कोट उत्तरकाशी के देहरादून के लंबे पिछले समय से चरस की तस्करी हो रही थी। देहरादून की रायपुर पुलिस ने देर रात्रि दोनों चरस तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे आईजी साहब, सभी लोगों का ये जोर है कि ड्रग्स से ज़्यादा पकड़ धकड़ हो। तो इसी क्रम में हमारी रायपुर पुलिस की टीम ने थानाध्यक्ष रायपुर और एसएसआई रायपुर के द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर कल दो लोगों को पकड़ा गया। ये दोनों व्यक्ति करीब 1.5 किलो चरस देहरादून लेके आ रहे थे और इन्हें जिस जगह देनी थी वो चरस, उसके बाद वो वहाँ से फिर जहाँ जहाँ जाती वो तो अभी हम पूछताछ के दौरान उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, उन लोगों की जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। पर फिलहाल प्रायम एफेसिया इन दोनों व्यक्तियों से जो बरामद हुई है 1.5 किलो चरस, वो एक अच्छी रिकवरी है और करीब 4 लाख रुपए इसकी कीमत है इस समय पे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में।